नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 957वें दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप शांत रहते अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर अटकते हैं, तेजी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इंग्लिश पढ़ने को लेकर कोई भी समस्या है या आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 11 लेटर वाले वर्ड्स भी देखेंगे हम लोग, जो कि शुरू हो रहा है। देखिए सबसे पहले इस वीडियो में क्या आप देखने को मिलेगा। देखिए तीन पार्ट में ये वीडियो समझने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट में दोस्तों बेसिक, जी हाँ बेसिक अगर आप नहीं जानेंगे तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कि आपने कभी इंग्लिश पढ़ा भी नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं आता, तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बेसिक जान लीजिए, जो कि 50% के आसपास हैं। और उसके बाद जो बचता है सेकेंड दूसरे नंबर में, हम लोग इस वीडियो से हम लोग ये सीखेंगे कि भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कोई भी इंग्लिश वर्ड हो उसको कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू या किसी वोवेल को समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए 30 से 40% इसका हो जाता है। और जो तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ प्रैक्टिस, यानी आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ तो प्रैक्टिस आप कर लेंगे और आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो है मैंने बताया कि भाई लास्ट में एक स्लाइड होगा वोवेल का पकड़, अगर उसको आप करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से जो है दोस्तों 100% आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं आपको पता ही होगा, 26 लेटर। डी यहाँ सो 26 लेटर होते हैं, लेकिन इस अल्फ़ाबेट जो कि ABCD के नाम जाना जाता है, और इसको पढ़ने का कुल तरीका कितना है, कितने तरह से पढ़ सकते हैं। 26 अल्फ़ाबेट है, 26 तरह से कितना, तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये 64 तरह से पढ़ते हैं, यानी कि 64 तरह से कह सकते हैं कि लगभग जो है 2.5 गुना अलग अधिक पढ़ा जाता है इन अल्फ़ाबेट को। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, ABCD Z तक जो है, 5 जो है वोवेल कहलाता है, और डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका हो जाता है वो है दोस्तों 23 तरह से। जी हाँ 23 तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। ये कॉन्सोनेंट दोस्तों कहीं ना कहीं किसी तरह से आप कह ले तो ये 41 तरह से, जी हाँ अलग अलग तरह से भी घुमा फिरा कर 41 तरह से कह सकते हैं कि ये 2 गुना है इसका कॉन्सोनेंट का, जो कॉन्सोनेंट है उसका 2 गुना अधिक उच्चारण है, जबकि वोवेल में जो है 5 गुना अधिक उच्चारण लगभग, यहाँ जो कि 25 होता है, जो कि 23 करीब है। अब जो बचता है वर्णमाला, ये वर्णमाला क्या है, हिंदी व्याकरण में शुरुआत हम लोग वर्णमाला से करते हैं। कभी भी हम लोग ने देखिए वर्णमाला भले ही हम लोग मतलब स्वर व्यंजन जानते हैं, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल मतलब बहुत ही गहराई से हम लोग ने किया नहीं है, इसी वजह से हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे लोग इंग्लिश सीखते वैसे ही हिंदी सीख जाते, लेकिन अगर गहराई से इस्तेमाल करते ना तो थोड़ा सा और हम लोग हिंदी में भी थोड़ा सा अच्छा करते और शुद्ध जो लिखते हैं आज वो पहले से लिखते होते। अगर आज भी लोग हर्षई दुर्गई में जो है फंस रहे हैं ईकार में उकार में, तो कारण ये कि गहराई से हम लोग ने इसको नहीं देखा। तो खैर यहाँ पर वो बात ला नहीं, हिंदी नहीं सीखना है दोस्तों इंग्लिश में। तो देखिए ये इसलिए क्योंकि अगर वर्णमाला के स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है इस पे पकड़ नहीं होगी, तो जो हिंदी के शब्द हैं जो कि इंग्लिश में इस तरह से लिखे जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, तो आप ना हम ना उसे पढ़ पाएंगे ना उसे लिख पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ठीक है, या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो या जो भी सोशल मीडिया हो, सब पर जब मैसेज हम लोग करते हैं तो हिंदी के ही जो हम लोग बोलते हैं उसी का इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना। जैसे रोज़ लिखने मैं लिखने के लिए आप आई नहीं लिखते हैं, MAI ऐसे लिखते हैं, मैं अभी तो ABHI ऐसे अभी इस तरह से जो लिखते हैं, तो ऐसे ही सीखना हो। चलिए सबसे पहले वर्णमाला पे थोड़ा सा बहुत एक छोटा सा डिस्कशन बहुत जरूरी है दोस्तों। संख्या है इसका 14 और यहाँ पर जो है मात्रा चिन्ह भी देखेंगे। देखिए अ, जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार ज़रूर सुन लें, ये है अ आ ई ई उ उ री री, उसके बाद देखिए ए ए ओ अन अ,
यहाँ पर जो है अ का कोई मात्रा नहीं होता, मात्रा ये मात्रा का मतलब मात्रा चिन्ह। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया रमण, रमण, इसमें कहीं भी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। देखिए फिर देखिए आकार का चिन्ह है, जैसे यहाँ पर दिखेंगे आ, तो देखिए ये डायरेक्ट लिखा गया, लेकिन यहीं पर यहाँ लिख देंगे इसी तरह से, ये आम था या राम था, जिसमें आ का आकार का चिन्ह हो गया और ये स्वर ही डायरेक्ट हो गया। फिर छोटी के लिए ये हो गया, बड़ी के लिए इस तरह से होता है, छोटी यू के लिए ये हो गया, बड़ी यू के लिए, री के लिए ये हो गया, बड़ी री के लिए ऐसे। उसके बाद ए जो है ए का ये हो गया, ए का ये, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे है, अन का ये हो गया और अह का ऐसे, अह के लिए ये हो गया। तो दोस्तों आप ये समझिए कि आपको इन दोनों के लिए याद करना होगा, इन मात्रा चिन्ह को भी याद रखना होगा और स्वर को भी। तो देखिए अ के लिए ए, आ के डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, बड़ी इकार के मात्रा रहने पर भी छोटी ई ही लिखा जाता है, बड़ी उकार के मात्रा हिंदी में रहने पर भी छोटी ऊ का इंग्लिश ऊ ही यू ही लिखा जाता है, उसी तरह बड़ी री की मात्रा रहने पर छोटी री का आर आई ही लिखा जाता है ना। तो ये है, फिर ए का ई हो जाएगा इंग्लिश, ए का जो मात्रा चिन्ह इसका ए आई, ओ का ओ, ओ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए लिखना है औरत, ठीक है, औरत, औरत लिखना है तो आप क्या करेंगे, सीधा ये अ लाएंगे, ठीक है, तो ए यू, र के लिए आर ए, अ के लिए टी, औरत। मान लीजिए लिखना है मौज, मौज या ठीक है मौज ही लिखते हैं, या मौला, मौला लिखते हैं, तो क्या है यहाँ देखिए अ है, तब क्या लिखेंगे, एम ए यू एल ए, मौला, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि ये तो रमन था, इसमें मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे अंग्रेजी कैसे, जैसे आर ए एम ए एन, रमन, ठीक है। आम के लिए डबल एक डबल ए लिखेंगे या सिंगल ए, लेकिन यहाँ डबल ए लिखते हैं आम। राम के लिए देखिए आर, र से आर हो गया, और आकार के लिए क्या हुआ, डबल या सिंगल ए, तो यहाँ सिंगल ए का इस्तेमाल होता है रा। अब म के लिए क्या होता है, एम, राम, है ना, म के लिए क्या हुआ, एम हो गया राम। तो इस तरह से तो रमन आम राम क्या हो गया, रमन आम राम। ये चीज़ जो है उस वक्त समझ जाना है, अगर आप समझ गए तो लिख सकते, कोई भी मात्रा चिन्ह देखिए लास्ट में तो ए नहीं दी, अ के लिए चूँकि सभी में शब्द कैसे बनते हैं इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किस करना है। मान लीजिए लिखना है सीता, देखिए बड़ी ई कार है, बड़ी ई कार है यानी डबल ई होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी तो क्या करते हैं, एस आई टी ए लिखते हैं, बड़ी ई कार होने के बावजूद भी छोटी ई का आई लिखते हैं, है ना। लिखना है सूर्य, सूर्य ऐसे ले, बड़ी उकार लिखते हैं, बड़ी उकार, देखिए बड़ी उकार है, ये बड़ी उकार है, लेकिन यहाँ छोटी, इसका छोटी यू का इंग्लिश यू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एस यू आर वाई ए, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की संख्या है दोस्तों 36, 36 व्यंजन हम लोग एक्चुअली इसको समझते हैं, इस व्यंजन को पूरा अक्षर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अक्षर क्या है वो भी मैं समझा दूंगा यहीं पर, आप समझ जाएं कि अक्षर क्या है। इसमें अक्षर इस का या जो यहाँ मैंने का लिखा और यहाँ का जो लिखा, इसमें क्या अंतर है दोस्तों। ये है हमारा व्यंजन और ये है हमारा अक्षर, ये है हमारा व्यंजन और ये है हमारा अक्षर, ये व्यंजन है और ये अक्षर है, ये व्यंजन है और ये अक्षर है, ये व्यंजन है और ये अक्षर है, यानी सभी में जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है कि सभी के सभी व्यंजन है। उसका नीचे लिखे जो अंग्रेजी भी देख रहे हैं आप, वो भी आधे ही है। अब देखिए ये जो व है इसके लिए भी डब्लू भी, ये लोग सुविधा के अनुसार अपने अपने नाम जो जैसा यूज़ करते हैं उसके लिए कभी व के लिए भी, कभी व के लिए डब्लू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए ये तालाब से है, ये है मूर्धन्य छ, ये है दंश। अक्षर के लिए केश है, इसको त्र बोलते हैं, इसको ज्ञा बोलते हैं। तो ये तीन है अक्षत्र ज्ञा, ये तीन को आप अच्छे से याद रखिए। इसमें कुछ और बात मैं बता दूँ कि जो अक्षर बना है के और एस एस से बना, यानी इसमें क है और श है, ये त्र बना है,
टी और आर से बने, इसमें कि त भी है र भी है, गया जो बने जी और वाई से बने, जो इसमें कि ग भी और य भी है ना। अब आप देखिए व्यंजन से, व्यंजन में अक्षर जोड़ेंगे, व्यंजन में स्वर जोड़ेंगे, स्वर तो अ से लेकर अह तक है यानी कि 14 है, कोई भी एक जोड़ दे तब एक अक्षर बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अक्षर में अक्षर को इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जो 20 अक्षर तक जोड़ने के बाद तक, यानी 20 अक्षर तक जोड़ देंगे तब एक शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य से कहानी किताब बन जाती है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास एक अक्षर, एक है व्यंजन, इसमें मैंने मिला दिया अ, अ हमारा स्वर है, इसका मात्रा चिन्ह नहीं दिखेगा तो यहाँ नहीं दिख रहा है, सीधा क हो गया। अब समझ में आएगा ना कि इस क और इस आधा आधा जो व्यंजन है, एक्चुअली आधा अक्षर जो, इसमें क्या अंतर है, यानी कि इसका अंग्रेजी के है, तो अगर सिर्फ व्यंजन है तो के जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जब पूरा अक्षर हो जाता है तो यही ए जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, के ए क हो जाता है। अगर आ जोड़ते तब क्या होता, चाहे डबल ए लेते या सिंगल लेते, लेकिन सिंगल ए लेने का परंपरा है। अगर ओ लिख देते क प्लस ओ तो यहाँ पर क्या होता, ओ हो जाता और यहाँ को हो जाता, अगर अ करते हैं तो यहाँ पर के यू हो जाता और यहाँ पर अ, तो मात्रा चिन्ह के साथ जो दिखता है वो अक्षर ही है। चलिए अब कुछ शब्द पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है मुझे, मुझे मुझे आज घूमने जाना है, ठीक है, या घूमने जाना है, ये मैंने लिख दिया एक सेंटेंस और इसी का इंग्लिश करना है, तो कैसे लिखेंगे पता है, कभी टेक्स्ट तो ऐसे लिखते हैं मुझे, मुझे तो ये देखिए मुझे आज डबल ए लिखेंगे, आज घूमने, घूमने जाना, जाना है, ये लिख दिया सिंपल से, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे इंग्लिश में। ऐसे ही टेक्स्ट मैसेज करते हैं कभी, आज भी दोस्तों आज आपके हो सकता है मोबाइल में आप जो नाम सेट करते हैं, फीड करते हैं, किसी का नंबर, किसी कॉन्टेक्ट नंबर जब लिखते हैं तो शॉर्टकट चलते हैं, स्पेलिंग ही नहीं पता चलता है। मान ली किसी का नाम रहता है रविंद्र, ठीक है, रविंद्र रहता है, रविंद्र, अब रविंद्र रहता है नहीं लिखने आता है तो कुछ भी लिख देते हैं, आर डी आर ऐसे करके लिख देते हैं, सिंह, मान ली रविंद्र सिंह लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये है पहले कि आपको अगर आता है मात्रा चिन्ह पे अगर पकड़ है, याद कर लिए आपने, याद रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखेंगे सीधा, तब तो इस तरह से लिख देंगे आर रविंद्र, ठीक है, रविंद्र सिंह, ये मुझे आता है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको आता है तो ये कैसे आएगा, स्वर भी याद रखना होगा, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखना होगा, व्यंजन भी याद रखना होगा। अगर मान लीजिए बिल्कुल आप किसी को नहीं आ रहा है तब कैसे लिखेंगे, तो रविंद्र ऐसे लिखेंगे र प्लस अ प्लस ब प्लस ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ, ये रविंद्र मैंने लिख दिया, रविंद्र, रविंद्र लिख दिया। अब इसका अंग्रेजी इजीली हो जाएगा, जिनको एक छोटे से बच्चे को भी अगर समझा दिया जाए ना, 5 साल के बच्चे को भी ऐसे लिख दीजिए, नाम को तोड़ दीजिए, इसका शब्द विस्तार करिए, शब्द विस्तार करने के लिए सिखा देना होगा कि मात्रा चिन्ह जो है उसको स्वर में बदल देना, जो मात्रा चिन्ह देख रहे हैं जहाँ नहीं दिख रहे हैं वहाँ अ, जहाँ दिख रहा है वो उसी के अनुसार उसको स्वर बदल दीजिए, हो जाएगा। या सिंह लिखना है तो क्या करते हैं, श है ना, श प्लस सिंह, श प्लस ई फिर न, ठीक है, सिंह प्लस ग प्लस अ, इस तरह सिंह, ये सिंह लिखा गया। तो इजीली आप कर सकते हैं, आर से र याद रहेगा, अ के लिए ए, या जैसे बड़ा डबल ए का इस्तेमाल कम करते हैं, व के लिए भी आई, ई छोटी के लिए आई, आधा न है एक्चुअली व्यंजन इसलिए एन, फिर डी से ड हो जाएगा, फिर र हो जाएगा और लास्ट में ए जोड़ देंगे, रविंद्र, ये रविंद्र, ये रविंद्र, कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। शुद्ध लिखेंगे सिंह के लिए एस का स, छोटी के लिए आई, एन के, एन का न, जी से, और चूँकि रविंद्र सिंह
सिंह बोलते हैं, सिंह। तो ह लिखते हैं खाली एच लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सिंह बोलते हैं, सिंह। उच्चारण के अनुसार ये चला हुआ है कि सिंह बोलते, सिंह घ, लेकिन लिखते हैं सी। वही बात हो जाता है दोस्तों कि बोलते हैं गिलास और लिखते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है गिलास, और लिखते हैं इंग्लिश में जब लिखना होता है तो ग्लास, ग्लास लिखते हैं। तो ये सिंह लिखा गया। चलिए ऐसे ही लिखना है आपको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट संख्या है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41। यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉन्सोनेंट। जैसे आप याद करेंगे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये किस कॉन्सोनेंट है इसको कितने तरह से पढ़ते, 41 तरह से। जैसे सी को, जो समस्या आपको दे सकती मैं उसके बाद चर्चा करूँगा, सी को क बोलते हैं और सी को स बोलते हैं। स कब बोलेंगे, जब सी के साथ आए आए, जब सी के साथ ई आए तब सी को स बोलते हैं। जैसे आप कर सकते हैं सी आई आर सी एल ई सर्कल, या पुलिस ले लीजिए पी ओ एल आई सी ई, इसमें सी ई स है और सी आई स हो रहा है। उसके डी को ड द तो बोलते हैं और डी को ज बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं। एफ को फ बोलते हैं, इंग्लिश का ये फ है, हिंदी का आपने फ देखा था जिसको पी एच लिखते हैं। हिंदी के शब्द को लिखते हैं तब पी एच लिखें, इंग्लिश के शब्द को लिखते हैं तो एफ लिखें। लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं अक्सर ये करते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या चाहते हैं वो, एक्चुअली आप लिखते हैं ऐसा है तो गलत है। अब जैसे ये अंग्रेज़ों वाली बात हो गई, अंग्रेजी, अंग्रेजी सोच हो गई, उनका सोच जो है अंग्रेजों से मिलता जुलता वाला सोच है, उसी पैटर्न पर ये चल रहा है शब्दों को लेकर। देखिए क, कई बात को याद रखना होगा कि क ख, ये देखिए उर्दू वाले शब्द है ग ज फ, ये जो है अलग शब्द है, ठीक है, क ग ज फ एक ऐसे उर्दू में इसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है दोस्तों, आप ये फ लिखना है तो फ के लिए पी एच हिंदी का बना हुआ है। और दूसरी बात कि अगर ये इसलिए प्रूफ हो जा रहा है कि मान लीजिए फिरोज लिख रहे हैं, फिरोज, तो फिरोज लिखने में सीधा एफ को फ को एफ लिखते हैं, फिरोज। जेड भी लोग लिख देते हैं और जे भी लिख देते हैं, और ज के लिए जे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो लोग ऐसा, अब उनका पैटर्न है, जो जैसा पैटर्न इस्तेमाल करना सकते हैं करेंगे, ये अधिकार है। अब आप नाम लिखने में ये हमेशा लिबर्टी ली गई है कि कोई भी, आजकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लोग नाम में अपना डबल लेटर वगैरह रखते हैं, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती इसमें, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन समझें, इस बात को समझें क्यों ऐसा किया गया। मैं एक बात में बात भी करूँगा यहाँ पर, तो ये है, अब देखिए जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं गौर जी एस का, गौर जी एस, गौर जी एस में ओ यू एस, पहला जी ग दूसरा जी ज के रूप में गौर जी एस। भी को व बोलते हैं, वी को भ बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं। टी को ट त बोलते हैं, च स बोलते हैं। जैसे टी आई से श होता है और टी यू से च होता है। स के लिए क्या करेंगे, जैसे वर्ड लिख लेते हैं टी आई ओ एन सन और टी आई ए एल सी एल और टी आई ए सी ए। उसके बाद च के लिए टी यू आर ई चर, टी यू ए एल चूअल। सन से एक्शन नेशन, सी एल से एसेंशियल कॉन्फिडेंशियल, सी एल सी ए से इनिशिएट वगैरह, चर से नेचर फर्नीचर, चूअल से एक्चुअल फैक्चुअल, ये हो गया। एक्स को देखिए यहाँ पर क के लिए, यहाँ के से क है, क्यू को भी क्यू बोलते हैं और क भी बोलते हैं, क्यू यू ई से, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्यू यू ई को भी क बोला जाता है, याद रखिएगा, और क्यू से भी कहा बोलते हैं, सी के से कहा बोलते हैं, सी एस से कहा। जैसे क्रोम कैरेक्टर लक में, क्यू में, क्वीन में, और ये हिंदी के शब्दों में भी क के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कर सकते हैं ये, खासकर मैंने बताया। अब जैसे कुछ एग्जांपल समझ ले, मैं यहाँ भी चर्चा कर लूँगा। एस को स बोलते हैं, ज बोलते हैं, एस को स भी बोलते हैं, ज बोलते हैं, और ई एस से भी ज होता है, दो बात है। आर को र भी बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं, जैसे गुड़, गुड़ लिखते हैं, आर का इस्तेमाल होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स, या फॉक्स हो,
लेकिन कभी कभी वर्ड बनेंगे ऐसे ई एक्स से स्टार्ट हो, तब भी एक्स को एक्स ही बोलते हैं, जैसे ई एक्स सी यू एस सी एक्सक्यूज, या ई एक्स को क्या बोलते हैं तब एग बोलते हैं एग, तब क्या होता है ई एक्स ई एक्स ए एम एग्ज़ाम। तो ये दोस्तों समझने का तरीका है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ ये क्यू पे बात कर लूँ मैं, एफ पे बात कर लूँ, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए कि क्या है, क्यों इस तरह से पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्यू पे, क्यू यू ई क्या वर्ड बनेगा। इंग्लिश के वर्ड है तो आप तो अच्छा से लिख सकते हैं, क्वीन लिख लीजिए क्वीन, है ना, क्वेंट लिख सकते हैं क्वेंट, यह ना क्वेश्चन लिख सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। लेकिन अब एफ है, एफ है, एफ को क्या बोलते हैं, फ बोलते हैं, फ, तो क्या कर सकते हैं, जैसे फिश लिख सकते हैं फिश, या क्या कर सकते हैं फिंगर कर सकते हैं, एफ ही उच्चारण हो रहा है ना, फिंगर कर सकते हैं, फेलो कर सकते हैं, एफ उच्चारण हो रहा है फेलो, ये सब हो रहा है, जो कि यहाँ एफ, इसका मतलब है कि भाई एफ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर का उच्चारण। अब क्या हो रहा है कि लोग ऐसा नाम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि स्वर, स्वर का उच्चारण के अनुसार अंग्रेजी कर दिया, अंग्रेजी में बदल दिया, मैंने बताया आपको, स्लाइड भी दिखाया। उन्होंने व्यंजन, जी हाँ, तो व्यंजन का अंग्रेजी कर दिया, व्यंजन का जो है अंग्रेजी कर दिया। अब उनको लगा कि भाई यही होगा। अब उन्होंने जिसे मैं बताऊं कि लिखा गया है पंजाब, सिंपल सा समझाने के लिए पंजाब, पंजाब, ये जैसे पंजाब, तो यू क्यों लिख दिया भाई, यू से, यू तो इंग्लिश का वर्ड है ना, पन अ के लिए आप पंजाब तो ऐसे लिखते हैं पंजाब, अगर अन बनाया तो इस तरह से बनाता ना, अन जो ये अन है तो इसका क्या होता है, ये होता पी ए एन, पी एन पन हो गया, और जे जाए डबल ए लेते या सिंगल ए, कोई दिक्कत नहीं, आप डबल के जगह सिंगल ले लिए पंजाब, ये होता, लेकिन उन्होंने पी यू कर दिया, जैसे बंगाल, अब बंगाल है तो बंगाल को उन्होंने बंगाल कर दिया बंगाल। भाई ये भी उन्होंने किया गलती, अब हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं कि भाई बंगाल ऐसे लिखते हैं, अब लिख दीजिए बंगाल इस तरह से, बंगाल का हिंदी क्या होता है, बंगाल इस तरह से लिखते हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ई को तो अ बोलेंगे, यू को भी अ बोल सकते हैं, यू को अ बोलते हैं वो लोग, ई को अ भी बोलते हैं, इसके अलावा और भी तीन तरह से, यानी कि यू को चार तरह से बोला जाता है, ई को पाँच तरह से बोला जाता है, उनमें से एक तरह ये भी है, ऐसे बंगाल लिखना होता तो ऐसे कहते हैं बंगाल, बी एन बी ए एन बंग और जी ए एल बंगाल, लेकिन उन्होंने ये लिखा। उसी तरह अब क्या, जो भी अंग्रेजों को फॉलो कर रहे थे उस समय के लोग, उन्होंने भी उन्हीं का रूल रेगुलेशन फॉलो किया, आधा इंग्लिश को हिंदी में मिक्स कर दिया, यानी हिंदी के शब्द को मिक्स कर दिया और हो गया घुसपैठ। जैसे अब लिखना है हक, हक, अब हक बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग लिखते हैं या सिद्दीकी लिखते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे क्यू यू का मतलब, मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब है कि क्यू यू ई का, क्यू यू ई का इस्तेमाल करते हैं हक में, ठीक है, इस तरह से, या सिद्दीकी लिखते हैं, ये मान लीजिए सिद्दीकी लिख रहे हैं, सिद्दीकी सिद्दीकी, तब भी उन वो क्या करते हैं कि भाई इस तरह से सी द धी की और क्यू यू आई कर देते हैं सिद्दीकी, डबल ई भी करते होंगे, ये उनकी सुविधा के अनुसार है, जो कि नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये मैं इसे बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आ कि आपको कितना हॉचपॉच हो गया है इंग्लिश को ले, इंग्लिश और हिंदी में मिक्सअप करके, और जाहिर सी बात ये होगा भी, अगर गहराई से नहीं समझते तो दिक्कत है। तो दोस्तों ये खैर है, आप नाम लिखते हैं, हिंदू लोग भी हैं जो हिंदू नाम है, जैसे क्या करते हैं कि डबल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और डबल लेटर्स का स्पेलिंग बदल देंगे ताकि उनका एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उनका बेस्ट हो जाए नाम और उनको अच्छा उनका तरक्की हो, तो ये भी एक है, अलग ही फैक्ट्स है। तो ये है, फिरोज भी लिखते हैं तो इसी तरह से करते हैं, फिरोज में लिखने के फिरोज कर देते हैं,
ठीक है, फिरोज, फिरोज हो गया, या मान लीजिए फातिमा लिख रहे हैं, फातिमा, तो ये नाम है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, मेरा यही कहना कि आपको समझना होगा कि भाई सच्चाई क्या है और क्यों कैसे लोगों ने इसको ऐसे मतलब अपना लिया कि जैसे लगता है समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। इसी वजह से जो है लोग कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि कैसे क्यों लिख दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सीखिए, हर चीज़ को सीखिए और उसके बाद उसको अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास कीजिए। तो हिंदी के शब्दों को हिंदी की तरह और इंग्लिश के शब्दों को इंग्लिश की तरह लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो टेक्स्ट आ रहा है, अगर आप इन टेक्स्ट में जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का नाम मैंने दिया है, फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है, इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर अच्छे से आप याद करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, तो इसको पढ़िए, टी आई एन को सन, टी आई एल को सी एल, टी यू एल को चर, टी यू एल को चूअल, पी आर ओ को प्रो, एस आई एन को सन भी, जन भी, एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई वी को टिव, आई एस को ईज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज, ई एन को बोलते एन, सी एन को कान, सी एन को कम, ऐसे याद कर लीजिए, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, ए एल को आल, आई ई एल को ई एल, एस आई वी को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। उससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ देखें, नेशन में देखिए सन है, इसेंशियल में देखिए सी एल है, और यहाँ पर सेन, ई एन सेन हो गया, मेन हो गया टेन हो गया, तो यहाँ सेन भी आ गया, इसेंशियल। अब देखिए यहाँ चर है तो यहाँ चर हो गया, यहाँ चूअल है तो यहाँ देखिए एक चूअल हो गया, यहाँ पर प्रो है तो देखिए पी आर ओ प्रो हो गया, और एस आई एन को यहाँ जन भी बोलते हैं, प्रो विजन, यहाँ देखिए एस आई एन को जन सन बोलते हैं, यहाँ देखिए इन हो गया, ये टर हो गया, एंटामिशन, यहाँ देखिए इको भी है, यहाँ लॉजी भी है, ये देखिए एक्टिव में एक एक्टिव है, यहाँ इज पार्ट हो गया, यहाँ देखिए इन, और यहाँ देखिए सी ए, और यहाँ देखिए टेड, इनिशिएटेड, ये देखिए टेड है, और ये देखिए एज है, लिंकेज। यहाँ देखिए सी ओ को कन बोलते हैं, कंज्यूमर, ई आर को आर, कंज्यूमर, यहाँ टी आर को टर बोलते हैं, और सी ओ को कम बोलते हैं, कंप्यूटर, ई आर को आर, डब्ल्यू लगा वर, यहाँ देखिए इम हो गया, और टी ए डी टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट, यहाँ देखिए सन हो गया, और यहाँ देखिए अल हो गया, नेशनल, यहाँ ई एल हो गया। अब देखिए सी ओ को कम बोलते हैं, कॉम प्री हैन, जो कि यहाँ पर लगा दिया जाए तो हैन हो जाता है, असिब, चार पार्ट है, एक कम है यहाँ से ले लिया, हैन ले लिया मैंने, प्री भी है, और सिव तो यहाँ है ही, कॉम्प्रिहेंसिव एक वर्ड बन गया, देखिए एम है, पो है, और टी ए एन सी एन है टी के साथ, तो टेंस हो गया, तीन पार्ट एक वर्ड बना है, इम्पोर्टेंस, यहाँ देखिए प्रे है, और इसको यहाँ जव चन हो रहा है, ई एन सी को एन बोलते हैं, तो प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, आर लगा रेन, यहाँ देखिए वी एस टू को वेस्ट होता है, आर लगा रेस्ट, टी कर देते हैं तो टी एस टी टेस्ट। तो ये है दोस्तों कि आप कितने अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड आपके लिए जो है बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसलिए मैंने पहले से धीरे धीरे आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं से कोई भी हो आप इसे अच्छे तरह से याद करेंगे, पहले याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर याद कर लेते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अब आप एग्जाम्पल में इसको ढूंढिए, जैसे ओ डब्ल्यू ओ है, तो अब यहाँ एल ओ डब्ल्यू है तो क्या पढ़ेंगे, तब ओ पढ़ेंगे, तब लो हो जाएगा, यहाँ एन ओ डब्ल्यू है तो क्या पढ़ेंगे, तो आओ पढ़ेंगे, यानी ओ को ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे, तो लो नाओ, यही के जोड़ते हैं, तब आओ नहीं ओ पढ़ देंगे, क्या हो जाएगा नो, तो कब क्या पढ़ना है ये तो अंग्रेजों ने डिसाइड कर रखा है, तो फिर उनके द्वारा जो चांद क्या उसको ही पकड़ेंगे हम लोग। ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे एस लगा से, एम लगा मे, पी लगा पे, डी लगा डे, ए वाई सब में। अब देखिए एटी को एट बोलते हैं, सब जगह एट है, एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट, ए टी ई एट है, ये एट है, वो एट था, तो एट के पहले सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट, ये देखिए प्री है, प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, तो ये प्री फिक्स, यहाँ पर प्री नहीं, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, आई एस को जा बोला गया, ई एन टू कैंट बोलते हैं, प्रेजेंट। फिर देखिए अस है, तो अस यहाँ देखिए अस, तो एक ये देखिए कन, कंटिन्यूस, यहाँ पर देखिए तो कल, यहाँ देखिए चर, कल्चर, आई जे टू वाइट बोलते हैं, एल लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट, एक्स, आई ये देखिए सेस, एक्सेस, ये देखिए एल ई डबल एस लेस, यहाँ एल साइलेंट है, वॉक, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, एम
के पहले ओंग लिखते हैं अमोंग। फिर देखिए एस यू आर ई को जर भी बोलते हैं और श्योर भी बोलते हैं, यहाँ श्योर पढ़ा गया है, एश्योर एनश्योर इंश्योरेंस इंश्योरेंस। ट्री है तो यहाँ पर देखिए ट्री है, सी यू कन बोलते हैं कंट्रीब्यूट, डी लगा दीजिए तो कंट्रीब्यूटेड एक अलग पार्ट हो गया। इको भी एक पार्ट है, लॉजी भी इकोलॉजी, कन भी एक पार्ट है और सी ई आर एन सी के पहले का सन कंसर्न हो गया। डबल ओके को बोलते हैं एल, डबल ओके के ओ को बोलते हैं तो टी लगा टूक, एल लगा लुक। एल वाई को ली बोलेंगे इसे ओनली, सी ओ को बोलेंगे इसे को ऑपरेशन, इंग है तो गोइंग कमिंग, सी को सब बोलते हैं इसे पुलिस, एल एम को माँ बोलते हैं इसे काम, डी जी को जा बोलते जैसे कि लॉज, जी एन को जा बोलते जैसे कि शाइन। कुछ और पार्ट देख लीजिए, थोड़ा सा समय और देना ही होगा आपको। ई एन टी एन बोलते आर लगा रेंट, टी लगा टेंट, ओ एन को ऑन बोलते हैं ऑन लाइन या ऑन गोइंग। उसके बाद ई एम को एम बोलते हैं, इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। अब ओ एन ई को वन बोलते हैं, लेकिन जब कोई वोवेल ओ के पहले यानी कि ओन के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे डी आर आ गया, पी आर आ गया, टी आ गया, एस टी आ गया, तो ड्रोन प्रोन टोन स्टोन है ना। एबल है तो टी लगा तो टेबल हो गया कम्फर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिक हो गया टी हो गया। उसके बाद देखिए डिस है तो डी एस को डिस बोलते हैं, डिस कम्फर्ट और एबल इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा डिसकम्फर्टेबल। जन बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर आर ई री और ये देखिए जन रीजन। नेक्स्ट देखिए क्योर, ये देखिए क्योर और ये देखिए मेंट, प्रोक्योरमेंट हो गया। ईबल यहाँ देखिए ईबल तो इसके साथ ईबल लगा तो सिबल हो गया, ई एन लगा सेल से पहले सेन हो गया तो सेंसिबल ईबल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर इम है तो आई एम को इम बोलते हैं और ए एन सी को एन बोलते हैं, लगा लेंस हो गया। इम्बैलेंस ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो यहाँ ई एक्स एक्स के रूप में पढ़ा गया एक्सचेंज, यहाँ ई एक्स एम एक्स के रूप में पढ़ा गया तो एग्जाम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ यू डी ऑन, ऑन्ड के पहले एफ लगा फाउंड साउंड राउंड 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 कई वर्ड बनते हैं। यूनी से यूनी साइकिल, अब यूनी पढ़ा गया यूनाई पढ़ा गया यूनाइट यूनाइटेड। दोस्तों मान लीजिए कि एक डिक्शनरी आपने ले लिया कि इंग्लिश सीखना है, ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश सीखना है और इसमें मान लीजिए कि इस डिक्शनरी में 100,000 वर्ड है, 100,000 वर्ड मीनिंग है, तो क्या सभी वर्ड मीनिंग को आप पढ़ते चलेंगे क्या, तो उससे याद हो जाएगा क्या, या उससे आपको सभी वर्ड मीनिंग पढ़ना आ जाएगा क्या करेक्टली, बहुत समय लगेगा। तो एक ऐसा पैटर्न समझे जो कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसको आप पकड़ कर चलते हैं तो सभी वर्ड्स को तो पहले आप उसका प्रोनंसिएशन उच्चारण जो है आप बहुत ही अच्छे तरह से करना सीख जाएंगे। अब उसके बाद स्पेलिंग भी उसका जो है लेटर्स है वो भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड तो बहुत ही काम के हैं ना, जैसा कि आपने ऊपर देखा। दूसरी बात की जो मीनिंग है जो अर्थ है वो भी इससे बहुत ही एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसा क्या अर्थ होने वाला है। हालांकि आपको उसके लिए तो पढ़ना ही होगा कि क्या होगा, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है क्योंकि प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो उसको लेकर एक अलग ही उसका एक अर्थ निकलता है। तो चलिए अब देखिए ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट दोस्तों एन सी आर टी बुक से लिया गया जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाता है। जो आपने हमने देखा पार्ट्स ऑफ वर्ड उसको यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आता आएगा, इसी से कुछ एक्स्ट्रा भी है तो धीरे धीरे ऐड भी हो जाएगा, तो उनको देखें आप समझें कि वाकई में आ रहा है नहीं, अगर आ रहा है तो फिर पढ़ने में दिक्कत क्यों, अटकेंगे क्यों हम लोग। अब देखिए दिमाग बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बड़ों को जब मैं बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उनको समझना ईजी है, उनको आसान समझेंगे। जैसे हिंदी के स्वर के हिंदी के स्वर व्यंजन को अगर आप नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो हिंदी के शब्द आप बताइए हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कहाँ लिखा गया, खोजते रहेंगे कन्फ्यूज़न अगर मिल भी जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होगा। जैसे मैं बता दूँ कि देखिए हिंदी के शब्द को एक बार में ये यहाँ पर देखिए कृष्णा गोदावरी है ना मुंबई उसके बाद कोम्बई अंडमान निकोबार अजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये सब वर्ड्स है। उसके बाद इंग्लिश के वर्ड जो पार्ट्स है उसको कैसे समझेंगे, जैसे टी यू आर को चर बोलते हैं, इसमें अल भी एक पार्ट है चर भी एक पार्ट है, ई गायब हो गया, सी एन कान एक पार्ट है, ई डी एक पार्ट हो जाता है, ई एन टी एक पार्ट है ना, ये देखिए एल वाई एक पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस आई एन को यहाँ भी एक पार्ट के रूप में मिल गया, फिर ई एन टी एक पार्ट के रूप में मिल गया, तो यहाँ देखिए
एक तो प्रे भी मिल गया और यहाँ पर अर्जेंट भी मिल गया पार्ट, डिस्पेयर मिल गया। तो इस तरह सभी पार्ट सभी का चर्चा हो जाता है। नेचुरल, देखिए नेचुरल चर में अल जुड़ गया तो चरल हो गया। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट। अब देखिए फ्रेंड फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड इमिशंस। यहाँ पर सन पढ़ा गया, जन नहीं, इमिशन सन्स एंड इट देयर फॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट्स। ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया, टी यू आर ई को चर, अब ई की जगह वाई कर दिया गया तो चूरी हो गया, चर की जगह चूरी, सेंचुरी लार्ज री ई आर एस के साथ जर और वी ई एस। रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बिन डिसकवर्ड डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन अलोंग द वेस्ट, ई एस टी क्वेस्ट बोलते वी लगा वेस्ट कोस्ट, द रिजर्व ऑफ द मुंबई हाई एंड अलायड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाई पॉइंट्स इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टी एंड टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। द सेवन देखिए 1700 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर्स लॉन्ग वेन जियोंग एल लगा लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर तोड़ के पढ़िए क्रॉस कंट्री गैस पीआईपीई पाइप लाइन LINKS लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्ट ईयर एफ के पहले लगा, ठीक है ईयर के पहले एफ लगा तो फॉर टी लाई ईयर के पहले जेड लगा ज फर्टिलाइजर। उसी तरह वर हो गया फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल। अब देखिए कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया दिस आर्टरी हैज पी आर प्रोवाइडेड ईडी प्रोवाइडेड एंड इम्प्यूटस टू इंडियाज। ये देखिए एपिस्टोफे है गैस पी आर प्रोडक्शन द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की। ये दोस्तों पढ़ने का तरीका, आप देखिए द 11 लेटर वाले वर्ड्स देखेंगे कैसे पढ़ते हैं तो लैंप शेडिंग, अगर ऐसे पढ़ने को मिल जाए ना तो अकबक हो जाता है, लगेगा कि कैसे पढ़ना, इजी नहीं है लेकिन तोड़ के पढ़िए समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए तो लैंप वर्किंग लेनार्क सायर लैनकास्ट्रियन लेंस लेंसियोलेट एक के बाद ई है टीटेड लेंसियोलेट लेंसिनेटिंग लेंसिनेशन देखिए सन है लेंसिनेशन लैंडमंस लैंडोलेट लैंड लिखिए लैंडोलेट लैंडेवोरिज लैंडामिन लैंडामिनिंग नेक्स्ट देखिए लैंड फीलिंग लैंड ग्रैबर ई आर को आर बी लगा बार लैंड ग्रैबर लैंड ग्रेवेट एक के बाद ही लैंड ग्रेवाइन लैंड होल्डर्स। नेक्स्ट है लैंड होल्डिंग और ये है लैंड लॉर्डिज्म। नेक्स्ट है लैंड लवर्स लैंड ल्यूबिंग लैंड मार्किंग और यह है लैंड मार्किज्म। नेक्स्ट देखिए लैंड ओवनिंग्स लैंड लैंडरे न्यूस लैंडस्केपर्स
एस्केपर्स, लैंड एस्केपिंग, लैंड एस्केपिस्ट, लैंड एस्किप्ड, लैंड एस्किप्ड, लैंड एस्नेज्ड, लैंड स्लाइडेन, लैंड स्लाइडिंग, लैंड वेटर्स, ये है लैंड वेइनाइट, लैंड वेइनाइट, देखिए लैंगेन फेल्स, लैंग लॉफर, लैंगोस्टिनोस, टी नोस, लैंगोस्टाइन, लैंग्वेसेंट, लैंगाइडनेस, लैंगाइडनेस, लैंग्विशर्स, लैंग्विशिंग, लैंग्वरस, इसके बाद है लैंगवर्थी, लैंकीनेसेस। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। अब वॉवेल पे पकड़ बनाते हैं। वॉवेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ए को ए ही नहीं बोलते हैं, हर एक वर्ड में अलग अलग, जैसे मेडल में एक हुआ, मास में एक हुआ, मेड में एक हुए, अब मैन में एक को ए बोला गया। हालांकि ए के बाद जब ई आया तो ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है। उसके बाद ई को अ आ ई ई ए बोलते हैं, जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जब सी के साथ ई है वो अ के रूप में। आई को अ आ ई ई ई और आई बोलते, जैसे पी आई इन पिन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में सर्कल। ओ का इस देखिए सो एम सम, सम में ओ को आ बोला जाता सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ, और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, जबकि टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन। उसके अलावा देखिए यू को सिर्फ यू ही नहीं बल्कि अ आ ऊ भी बोला जाता है। यू तो बोला ही जाता है, जैसे ब्यूटी बट में यू को अ बोल रहे हैं, ब्यूटी पुट में यू को ऊ, और ट्यून में यू को यू बोल रहे हैं। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो डबल ओ को दोस्तों अ आ ऊ ओ ऊ बोलते हैं। जैसे डबल ओ सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, और एफ एल डब्ल्यू फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में फ्लोर हो रहा है। इस तरह दोस्तों ए को चार, ई को पाँच, आई को पाँच, ओ को चार, यू को चार, डबल ओ को पाँच तरह से पढ़ा जाता है। आपको इसी पर फोकस बनाना, पकड़ बनाना होगा। साथ ही हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब या गूगल पे सर्च कीजिए, सारे वीडियो मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1 के हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर बोलना लिखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखने के तीजिए स्टेप ना, तो ग्रामर स्किल प्रोग्राम नंबर वन सही करना है। बस आपको क्या करना है, कॉपी ले लीजिए, जिससे कि आपको कॉपी लिखिए और कॉपी लिखते समय बोलिए, जिससे कि लिखने भी आएगा और बोलने भी आएगा, एक कॉपी बन जाएगा रिवीजन के लिए। तो हम लोग अंग्रेजी से पढ़ना आसानी सीख सकते हैं। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों, वॉवेल है, वॉवेल पे मैंने वर्ड्स लिए हैं, और यही वॉवेल सभी को परेशान करते हैं, इसलिए लास्ट मैंने इसको रखा है। और करना क्या है कि सभी वॉवेल्स का उच्चारण याद कर लेना, या कॉपी पे लिख लीजिए, और आप देखिए 200 ऐसे वर्ड मीनिंग लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, इसका स्पेलिंग आपको पहले से आता हो। उसके बाद 10 दिन तक दोस्तों 20 वर्ड मीनिंग लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको वर्ड मीनिंग पे पकड़ बन जाएगा, कोई वर्ड को पढ़ पाएंगे और किसी वर्ड का स्पेलिंग लिख पाएंगे। जैसे हिंदी के शब्दों को लिखते हैं पढ़ते, उस तरह से जैसे कंपनी में दो वॉवेल, एक तो ओ है, ओ को यहाँ आ पढ़ा गया, ए, ए को क्या पढ़ा गया कंपनी, अ मुझे पता है मैंने कॉमन लिया। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया आ, आ केयर में क्या पढ़ा गया तो ए पढ़ा गया, ई को अ पढ़ा गया, हालांकि ई खचर यहाँ होगा। मैप ए को क्या पढ़ा गया है तो ए पढ़ा गया, एम ए पी मैप, ए है ना। पी आर पर में ई को अ पढ़ते हैं, और दूसरा फैक्ट वाला जो ई है उसको ए पढ़ते हैं। तो पी आर ई प्री, देखिए पी आर पर एफ ई एफ ई सी टी फैक्ट, तो दो हो गए अ ई। प्री फिक्स में जो ई है उसका चाहे छोटी पढ़ लीजिए या बड़ी पढ़ लीजिए। टी एन टेन में जो ई है उसको क्या पढ़ेंगे, टेन यानी ए, टेन पर एस आई एस आर में आई को क्या पढ़ते हैं अ को अ पढ़ते हैं। एफ आई जी फिक में आई को क्या पढ़ते हैं तो छोटी पढ़ रहे हैं। टीन में आई को क्या पढ़ रहे हैं तो बड़ी पढ़ रहे हैं। एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है आई लाइन। एस एन सन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, या वो यू टी आउट में ओ को क्या पढ़ रहे हैं आ, आउट आउट आ आ पढ़ रहे हैं। प्रूव में ओ को क्या पढ़ रहे हैं ऊ, है ना ऊ पढ़ रहे ऊ। मोटो में दो एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों को ओ पढ़ रहे हैं मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं आ पढ़ रहे हैं अ, और पी यू टी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं ओ पढ़ रहे हैं। ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो ई यू पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फ्लड डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का क्या पढ़ रहे हैं उच्चारण, डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है। आई एल डब्ल्यू को लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है ऊ हो रहा है लुक।
दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर अभी तक आप समझ में नहीं आ रहा तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले जिसका नाम ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो क्लिक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।